बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। एमपी के जबलपुर में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। सोमनाथ एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतरी है। मध्य प्रदेश की यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, ट्रेन के कुछ डिब्बे डिरेल हो गए हैं। रेलवे स्टेशन पहुंचने से ठीक पहले यह हादसा हुआ है। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, ट्रेन के कुछ डिब्बे डिरेल हुए हैं। रेलवे स्टेशन पहुंचने से ठीक पहले यह हादसा हुआ। वजह क्या रही इसको लेकर स्पष्ट जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि जबलपुर में यह हादसा हुआ है। सोमनाथ एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतरी है, कई डब्बे इसके डिरेल हुए हैं। ये बड़ा ट्रेन हादसा, अभी तक ये जानकारी सामने नहीं आई कि क्या इसमें कुछ यात्रियों के घायल होने की खबर है। वजह क्या रही, किस वजह से हादसा हुआ है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये ट्रेन स्टेशन के बेहद करीब पहुंच रही थी जिस वक्त यह हादसा हुआ। कुछ डिब्बे डिरेल हुए हैं। एमपी के जबलपुर में यह बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। पटरी से कई डिब्बे इस ट्रेन के उतरे हैं। दो डिब्बे ट्रेन से उतरे हैं, जो जानकारी अपडेट के साथ सामने आ रही है उसके मुताबिक आपको बता दें, बताया जा रहा है कि दो डिब्बे डिरेल हुए हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर से यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, बताया जा रहा है कि दो डिब्बे डिरेल हुए हैं, लेकिन इसमें अभी तक इस बात की जानकारी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई कि क्या कुछ यात्री भी घायल हुए हैं। हालांकि इसकी जानकारी अधिकारियों को दी गई है। स्टेशन के बेहद करीब थी ये ट्रेन। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जबलपुर में यह हादसा हुआ है। सोमनाथ एक्सप्रेस पटरी से उतरी है। ये सबसे पहले तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए लोगों की वहां पर भीड़ जुटी हुई है। पुलिस प्रशासन जो है वो मौके पर पहुंचा हुआ है। यात्रियों को निकालने की भी कोशिश की जा रही है। जाहिर है कि चूंकि स्टेशन के बेहद करीब थी तो स्पीड भी थोड़ी कम रही होगी, लिहाजा जो पीछे के दो डब्बे बताए जा रहे हैं जो डिरेल हुए हैं। हालांकि अभी तक कारणों को लेकर कोई खुलासा नहीं हुआ है कि वजह क्या रही है इन डब्बों के डिरेल होने की, लेकिन फिलहाल कुछ डिब्बे ऐसे हैं डिरेल हुए हैं, संख्या इनकी दो बताई जा रही है। यात्रियों को वहां से निकाला जा रहा है। ये तस्वीरें भी लगातार इस हादसे की हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। एमपी के जबलपुर में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। सोमनाथ एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतरी है। मध्य प्रदेश की ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, ट्रेन के कुछ डिब्बे डिरेल हो गए हैं। रेलवे स्टेशन पहुंचने से ठीक पहले यह हादसा हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, ट्रेन के कुछ डिब्बे डिरेल हुए हैं। रेलवे स्टेशन पहुंचने से ठीक पहले यह हादसा हुआ। वजह क्या रही इसको लेकर स्पष्ट जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि जबलपुर में यह हादसा हुआ है। सोमनाथ एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतरी है, कई डब्बे इसके डिरेल हुए हैं। ये बड़ा ट्रेन हादसा, अभी तक ये जानकारी सामने नहीं आई कि क्या इसमें कुछ यात्रियों के घायल होने की खबर है। वजह क्या रही, किस वजह से हादसा हुआ है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये ट्रेन स्टेशन के बेहद करीब पहुंच रही थी जिस वक्त यह हादसा हुआ। कुछ डिब्बे डिरेल हुए हैं। एमपी के जबलपुर में यह बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। पटरी से कई डिब्बे इस ट्रेन के उतरे हैं। दो डिब्बे ट्रेन से उतरे हैं, जो जानकारी अपडेट के साथ सामने आ रही है उसके मुताबिक आपको बता दें, बताया जा रहा है कि दो डिब्बे डिरेल हुए हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर से यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, बताया जा रहा है कि दो डिब्बे डिरेल हुए हैं, लेकिन इसमें अभी तक इस बात की जानकारी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई कि क्या कुछ यात्री भी घायल हुए हैं। हालांकि इसकी जानकारी अधिकारियों को दी गई है। स्टेशन के बेहद करीब थी ये ट्रेन। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जबलपुर में यह हादसा हुआ है। सोमनाथ एक्सप्रेस पटरी से उतरी है। सबसे पहले तस्वीर
तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए लोगों की वहां पर भीड़ जुटी हुई है, पुलिस प्रशासन जो है वो मौके पर पहुंचा हुआ है, यात्रियों को निकालने की भी कोशिश की जा रही है। जाहिर है कि चूंकि स्टेशन के बेहद करीब थी तो स्पीड भी थोड़ी कम रही होगी, लिहाजा जो पीछे के दो डब्बे बताए जा रहे हैं जो डिरेल हुए हैं, हालांकि अभी तक कारणों को लेकर कोई खुलासा नहीं हुआ है कि वजह क्या रही है इन डब्बों के डिरेल होने की। लेकिन फिलहाल कुछ डिब्बे ऐसे हैं डिरेल हुए हैं, संख्या इनकी दो बताई जा रही है, यात्रियों को वहां से निकाला जा रहा है। ये तस्वीरें भी